नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको शीत पित्त यानी कि पित्त उछलने का एक बहुत ही ज़बरदस्त और आसान घरेलू नुस्खा दूंगा। ये नुस्खा बहुत ज़्यादा आसान है और आप इसको घर पर ही तैयार कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि सर्द गर्म की वजह से या फिर एलर्जी की वजह से शरीर में लाल रंग के चकत्ते निकल आते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है। खुजलाते खुजलाते इंसान परेशान हो जाता है और समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो ऐसे में मैं आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा दूंगा जो कि बड़ी आसानी के साथ में 2 मिनट के अंदर आप तैयार कर सकते हैं और उसको लगाते ही आपको शीत पित्त यानी के पित्त उछलने में फ़ायदा दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है थोड़ा सा नारियल का तेल। अब इस नारियल के तेल में आपको थोड़ा सा देसी कपूर डालना है और इसको अच्छे से गर्म कर लेना है। जब ये तेल ठंडा हो जाए तो इसको जहाँ पर भी आपकी शीत पित्त है यानी कि पित्त उछली हुई है, जहाँ पर लाल धब्बे आपके पड़ गए हैं, उस जगह पर इस तेल को लगा लें और लगाने के बाद में इसको छोड़ दें। कुछ ही देर के अंदर आपके शीत पित्त यानी कि पित्त उछलने में आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ जो आपको खाना है। इसके लिए आपको 4 से 5 चम्मच देसी घी लेना है और 4 से 5 चम्मच आपको देसी खांड लेना है और तीसरी चीज़ आपको 4 से 5 काली मिर्च लेनी है। अब काली मिर्च को आपको पीस लेना है और इन तीनों चीज़ों को यानी कि 4 से 5 चम्मच खांड, 4 से 5 चम्मच देसी घी और 4 से 5 काली मिर्च का चूर्ण, इन तीनों चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से मिलाकर पेस्ट बना लेना है। अब इसका 1-1 चम्मच सुबह, दोपहर और शाम दिन में 3 बार आपको सेवन करना है। इसके साथ साथ जो तेल मैंने आपको बताया है, नारियल के तेल में कपूर डाल करके जो बनाया गया तेल है, उसे आप दिन में 2 से 3 बार लगाएं। साथ में ये जो नुस्खा मैंने आपको बताया है उसका 1-1 चम्मच सेवन करें। 2 दिन के अंदर ही आपका शीत पित्त, पित्त उछलने की समस्या, लाल चकत्ते, खुजली में पूरी तरह से आपको आराम मिल जाएगा। तो इसी तरह के घरेलू नुस्खों और हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।